पूनम पांडे के प्रेमी बने शक्ति कपूर। इस फिल्म में काम देखकर कह दी इतनी बड़ी बात। फिल्म नशा से चर्चित अभिनेत्री पूनम पांडे बड़े पर्दे पर द जर्नी ऑफ कर्मा के साथ वापसी करने जा रही हैं। इसमें वह अपने से बड़ी उम्र के प्रेमी की भूमिका निभा रहे अभिनेता शक्ति कपूर के साथ बोल्ड अंदाज में नजर आएंगी। फिल्म में बोल्ड सीन्स के बारे में पूछे जाने पर अभिनेता ने कहा, जब आप फिल्म देखेंगे तो बोल्ड दृश्य पहचान में नहीं आएंगे। शक्ति कपूर ने कहा, इन दृश्यों में कोई अश्लीलता नहीं है जो कि अपने आप में हाईलाइट हो। इसके ट्रेलर में भी कोई अश्लीलता नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि इसमें अश्लीलता है। आपको यह भी एहसास नहीं होगा कि फिल्म में इन्हें कब दिखाया गया। शक्ति कपूर ने पूनम पांडे की प्रशंसा करते हुए कहा कि फिल्म उनसे संबंधित है। उन्होंने कहा, मैंने पूनम पांडे के साथ बेहतरीन वक्त बिताया। वह पेशेवर हैं, कलाकार होने के नाते फिल्म में उनके शानदार काम को देखकर हैरान था। इस फिल्म की रिलीज के बाद यह फिल्म पूनम को एक बड़ा स्टार बना सकती है। फिल्म पूनम से संबंधित है। जगबीर दहिया द्वारा निर्मित और सूर्य एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत फिल्म में पूनम पांडे और शक्ति कपूर प्रमुख भूमिकाओं में है। यह फिल्म 26 अक्टूबर 2018 को रिलीज होगी। फिल्म आर्थिक रूप से कमजोर माँ और बेटी की कहानी है। लड़की अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती है, लेकिन आर्थिक स्थिति सबसे बड़ी समस्या आती है। शक्ति कपूर इस फिल्म में एक अमीर आदमी की भूमिका निभा रहे हैं जो पूनम पांडे से मिलता है। पूनम पांडे साल 2011 में चर्चा में आई थी जब उन्होंने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम 2011 का वर्ल्ड कप जीत कर आ जाती है तो वो आउट हो जाएंगी। हालांकि जब टीम जीत गई तो उन्होंने कहा कि BCCI इसके लिए परमिशन देगी तभी वो ऐसा करेंगी। BCCI ने परमिशन देने से मना कर दिया था।